हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने क्लास फर्स्ट का सब्जेक्ट इंग्लिश वर्कशीट लेकर आई हूँ। इसमें ग्रामर का पोर्शन ऐड किया है, जिसमें सिंगुलर प्लूरल, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, हैज हैव, करेक्ट द स्पेलिंग्स और भी बहुत कुछ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है राइट द प्लूरल्स ऑफ द नाउंस। मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनाई हैं, जहाँ पे मैंने सिंगल नाउंस बनाए हैं और इधर की तरफ प्लूरल बनाए हैं, यानी एक से ज्यादा बनाए हैं। तो बच्चों को आप इस तरीके से प्रैक्टिस करा सकते हैं पिक्चर्स बनाकर। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, मैंगो। बच्चे को पहले पिक्चर आइडेंटिफाई करनी है कि वो क्या है। मैंगो है, तो यहाँ पे मैंने मैंगो के लिए प्लूरल क्या होगा, मैंगोज। उसके बाद पेन बनाया है, पेन का क्या होगा, पेंस। बेल, बेल्स। ट्री, ट्रीज। तो इस तरीके से पिक्चर्स बना के बच्चों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है करेक्ट द स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड्स। यहाँ पे मैंने कुछ स्पेलिंग्स लिखी हैं, जिसमें कुछ वर्ड्स इनकम्प्लीट हैं, कुछ लेटर्स इनकम्प्लीट हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, अपनी तरफ से कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ पे टीचर लिखा है, इसकी स्पेलिंग गलत है, टीचर। ये क्या है, ये बच्चों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, शाउट। Different, bird, power। बच्चों को ये करेक्ट स्पेलिंग्स तभी आएंगी, पहले आप उनको कुछ स्पेलिंग्स को लर्न करने के लिए दीजिए, उसके बाद उन्हीं स्पेलिंग्स को ही आपको आगे पीछे करके उन्हें प्रैक्टिस करानी होगी, क्योंकि बच्चे जल्दी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कुछ हार्ड वर्ड्स। तो पहले उनको उनको उनकी स्पेलिंग्स याद करानी है। नेक्स्ट है कंपैरिजन बाय यूजिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई है और यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड भी लिख दिए हैं, तो हमें इस पिक्चर को देखकर ये आइडेंटिफाई करना है किससे रिलेटेड होते हैं। जैसे यहाँ पर ये मैंने एक स्कूल का कुछ मतलब बिल्डिंग बनाई है, कुछ भी हो सकती है ये, तो इसको हम किससे मैच करेंगे, टॉल। और ये क्या हो जाएगा, टॉलर। स्मॉल, स्मॉलर। तो बच्चों को इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। उसके बाद आता है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद हैज और हैव। यहाँ पे मैंने कुछ सिंगुलर, जैसे कि पहले भी मैंने बताया हुआ है कि हैज और हैव हम किस में लगाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में यूज होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को ये बताना हैज कहाँ यूज होगा और हैव कहाँ यूज होगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपल कुछ वर्ड्स ऐसे सेंटेंसेस बनाए हुए हैं, जैसे यहाँ पे आई डैश वन नोज, तो क्या आएगा, आई के साथ क्या यूज होता है, हैव। दे डैश टू आईज, हैव प्लूरल है इसलिए हैव लगेगा। ही के साथ हैज, क्योंकि सिंगुलर है, शी हैज। यू डैश अ स्मॉल बॉडी, यू के साथ हैव लगेगा। तो हैज और हैव का डिफरेंस बच्चों को पता चलेगा इससे। उसके बाद आता है गिव द अपोजिट। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इनके अपोजिट वर्ड बताने हैं, स्मॉल, बिग, लव, हेट। हेट ये सेम ही हो गया लगभग, लव आ जाएगा। गुड, बैड, हैप्पी, सैड।
उसके बाद आता है मैच द एडजेक्टिव्स विद द पिक्चर ऑफ नाउन। यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स लिख दिए हैं। एडजेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? जो नाउन की क्वालिटीज को बताते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एडजेक्टिव के मैंने वर्ड लिख दिए हैं और यहाँ पे मैंने नाउन्स की पिक्चर्स लगाई हैं, जिससे कि बच्चों को आइडेंटिफाई होगा कि नाउन क्या शो करता है। नाउन की जो क्वालिटीज बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैंने येलो लिखा है, तो येलो यहाँ पर पिक्चर में कौन है? मैंगो। तो इसमें हम मैच कर देंगे और बच्चों को थोड़ा उसको बताएंगे भी कि मैंगो इज येलो। तो इस तरीके से आप समझा सकते हैं और प्रैक्टिस भी करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या हो सकता है? रोज, रोज इज ब्यूटीफुल। रेड, चिली, स्मॉल ट्री। तो इस तरीके से भी आपको बच्चों को प्रैक्टिस करानी होगी। उसके बाद आता है कंप्लीट द वर्ड्स। यहाँ पे स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं, इनको कंप्लीट करना है। विंड, लीव्स, रैबिट, फार्मर, क्राउड, वेलकम। तो इस तरीके से पहले आप बच्चों को स्पेलिंग्स लर्न कराइएगा, उसके बाद आप इनकी प्रैक्टिस कराइएगा। नेक्स्ट है विच वर्ड राइम्स विद द पिक्चर्स। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनाई हुई है मैंने, तो मैंने यहाँ पे उनके वैसे नाम भी लिख दिए हैं। आप क्या कर सकते हैं, पहले पिक्चर बना के उनके नाम लिखवाइए, उसके बाद उनकी राइमिंग्स भी लिखवा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर माउस की बनाई है, तो बच्चे को पहले आइडेंटिफाई करना है पिक्चर क्या, किस चीज की है? माउस की है। तो यहाँ पे पहले माउस लिख दिया, तो माउस का राइमिंग क्या होगा? राइम वर्ड हाउस। उसके बाद ट्री, ट्री आइडेंटिफाई करेगा, ट्री लिखेगा, ट्री का राइमिंग वर्ड फ्री। यहाँ पे बेल लिखा है, बेल का राइमिंग वर्ड हेल। पेन, पेन का राइमिंग वर्ड देन। इस तरीके से आप राइमिंग वर्ड्स की प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो बच्चों को आप इस तरीके से पिक्चर्स बनाकर और उनके नाउन्स, प्रोनाउन और हैज, हैव, इन सब की प्रैक्टिस कराइए। वर्कशीट की मदद से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।